अर्धवार्षिक परीक्षा के पेपर संबंधी नई वीडियो में सभी का स्वागत है। दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के लिए है। इस पेपर के पूर्णांक होंगे 70, कक्षा 9 के लिए है। 3.25 घंटे का समय होगा। सामाजिक विज्ञान का ये पेपर है। इस पेपर में आपके साथ समस्त प्रश्न जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है वो साझा कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? रूस की संसद का क्या नाम है? वहीं 14 वर्ष से कम उम्र की आयु के नाथसी लोगों के संगठन को क्या कहते हैं? सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके इस पेपर में साझा करने वाले हैं जो एग्जाम में आने के लायक है। 12 प्रश्न आपके पास, 10 प्रश्न आपके ऑब्जेक्टिव है, उसके अलावा 1 प्रश्न जो खाली स्थान है आप डिस्प्ले पर देख सकते हो। 12वां प्रश्न है, फ्रांस को कब गणतंत्र घोषित किया गया था? 13वां प्रश्न, कार्ल मार्क्स कौन था? वही मित्र राष्ट्र कौन कौन से थे? 15वां प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? दोआब का क्या अर्थ है? हिमालय से निकलने वाली प्रमुख नदी कौन कौन सी है? अगला प्रश्न है, लोकतंत्र की 2 विशेषताएं लिखें। उससे अगला प्रश्न, संविधान निर्माण में इन नेताओं की भूमिकाओं को मिलान करना है जो आपके साथ डिस्प्ले पर दिखाए गए हैं। इन सभी को मिलान करना है कि कौन कौन का क्या क्या महत्व रहा था। वहीं अगला प्रश्न है, विधायक किसे कहते हैं? मृत्यु दर किसे कहते हैं? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई? बोल्शेविक कौन थे? जंगलों में, अगला प्रश्न है, जंगलों में वन विभाग का नियंत्रण स्थापित कैसे किया जाता है या इसका क्या प्रभाव पड़ता है? हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता, इस तरह से अगले छोटे प्रश्न है ये। इसके अलावा बात करें बड़े प्रश्नों की, तो बेरोजगारी क्या होती है? भारत में बेरोजगारी के विभिन्न प्रकारों को विस्तार से लिखना है। हरित क्रांति से क्या आशय, इसके 2 परिणाम बताएंगे। और मानचित्र के क्वेश्चन है, सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटा राज्य, गुजरात, केरल और मध्य प्रदेश, इन सभी को मानचित्र पर दर्शाना होगा। इस तरह से कक्षा 9 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है जो अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कौन सी क्लास का पेपर चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, जिससे जल्द से जल्द आपके लिए पेपर अपलोड हो सके। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा।